राज्य में बढ़ते तापमान और हीट वेव की वजह से कुछ हिस्सों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसकी वजह से विशेषकर स्कूली बच्चे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। बुधवार को राज्य भर में लू लगने से एक दरोगा समेत 12 लोगों की मौत की सूचना है। गर्मी की वजह राज्य भर में 337 विद्यार्थियों और शिक्षक शिक्षिकाओं की तबीयत बिगड़ गई। कुछ की नाक से खून निकलने की भी शिकायत आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तत्काल प्रभाव से राज्य के सभी सरकारी निजी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों तथा कोचिंग संस्थानों को 30 मई से 8 जून तक बंद करने का निर्देश जारी किया है। मालूम हो कि सूबे में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश अनुसार सरकारी विद्यालय का संचालन सुबह 6 से दोपहर 1 बजे के बीच किया जा रहा, जबकि निजी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी है। पहले गर्मी की छुट्टी मई माह में होती थी, मगर इस बार अप्रैल में ही कर दी गई। ऐसे में भीषण गर्मी की चपेट में आने से बच्चे शिक्षक सफाई कर्मी व रसोइयां बेहोश हो गए। बुधवार को लू लगने के बाद अचैत हुए काराकाट लोकसभा क्षेत्र के देहरी में चुनाव ड्यूटी पर तैनात दरोगा देवनाथ राम की मौत हो गई। शेखपुरा में 50, नवादा में 10, गया में 8, औरंगाबाद में 8, गोपालगंज में 12 समेत कुल 88 छात्र छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई है। इससे आक्रोशित अभिभावकों ने मनकोल गांव के पास शेखपुरा पकड़ी बरवा सड़क को जाम कर दिया और अपर मुख्य सचिव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।